इंडिया और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी दिल्ली कूच की रणनीति स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। शब्बू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। शब्बू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्ड कंटीली तारें बिछा दी गई हैं, इसकी कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है और इसी से पुलिस ने पिछले 8 दिन से आंदोलनकारियों को रोके रखा है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज 9वां दिन है, 11 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 5 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी गारंटी को लेकर जो है वो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था, लेकिन किसानों ने उसे सिरे से नकार दिया है। 23 फसलों की किसान लगातार बात कर रहे हैं। तो किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद किया। आपको बता दें केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 जो ये फसलें हैं उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया, इसे ठुकरा दिया। अब जरा आपको यह बता दें कि पेच कहां आखिर फंसा हुआ है। तो सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद कैसे, हम आपको बता दें, एमएसपी गारंटी वाला कानून जो है उस पर सहमति नहीं है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो इस पर भी सहमति अभी तक नहीं बनी है। किसानों का कर्ज माफ हो इस पर भी सहमति अभी नहीं बनी है। तो इसको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, यानी लोकसभा चुनाव हैं, कानून बनाने में कई सारी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लिहाजा 5 फसलों को लेकर प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, जिसे सिरे से खारिज कर दिया किसानों ने। वो 23 फसलों की लगातार बात कर रहे हैं, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और 4 दौर की बैठक हुई जिसमें 2 बैठकें बिल्कुल बेनतीजा रहीं। 2 में कुछ कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल बना, लेकिन अब जो बात हुई है वो पूरी तरह से इसे ठुकरा दिया है। उधर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से पूरी तरह से शांति बनाए रखने की अपील की है और बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है, ये बात भी उन्होंने कही। आइए सुनाते क्या कुछ कहा। हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर यह बातचीत, ये वार्ता, यह संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए।